इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ये दोनों काफ़ी पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है। ये दोनों इंडस्ट्री कुछ सालों से काफ़ी अच्छी फिल्म रिलीज कर रही है। और अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये पूरी दुनिया की पहली सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, जो कि एक साल में एवरेज 1500 से 2000 मूवी रिलीज करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म्स और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मूवी के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंडियन और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 10 फिल्म जो अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई की हुई है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है दंगल। जी हाँ, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को नितेश तिवारी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इस मूवी की टोटल कमाई इंडियन रुपी के हिसाब से 2024 रुपये करोड़ थी। नंबर टू पे जो मूवी आती है, उस मूवी का हिंदी टाइटल है बाहुबली 2। जी हाँ, इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को SS राजमौली के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 1810 करोड़ रुपये थी। नंबर तीन, बजरंगी भाईजान। इस मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को कबीर खान के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 969 करोड़ रुपये थी। नंबर चार पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है सेक्रेट सुपरस्टार। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को एडवर्ट चंदन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 966 रुपये करोड़ थी। नंबर पाँच, PK। इस मूवी को 2014 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को राजकुमार हिरानी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 832 करोड़ रुपये थी। नंबर छः पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है रॉबर्ट 2.0। जी हाँ, इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को S शंकर के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 800 करोड़ रुपये थी। नंबर सेवन पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है बाहुबली द बिगनिंग। इस मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को SS राजमौली के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 650 करोड़ रुपये थी। नंबर एट पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है सुल्तान। जी हाँ, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को अली अब्बास जफ़र के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 623 करोड़ रुपये थी। नंबर नाइन पे जो मूवी आती है, उस मूवी का हिंदी टाइटल है संजू। जी हाँ, इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को राजकुमार हिरानी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई इंडियन रुपी के हिसाब से 586 करोड़ रुपये थी। नंबर दस पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को डायरेक्ट संजय लीला भंसाली के द्वारा किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 585 करोड़ रुपये थी। तो फ्रेंड, ये था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ के बारे में। नंबर वन पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है जवानी फिर नहीं आनी 2। इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को नदीम बेग के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 70 करोड़ रुपये थी।
नंबर 2 पंजाब नहीं जाऊंगी। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को भी नदीम बेग के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 51 करोड़ रुपये थी। नंबर तीन पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है तीफा इन ट्रबल। जी हाँ, इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को अहसान रहीम के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तान रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 50 करोड़ रुपये थी। नंबर 4 जवानी फिर नहीं आनी। इस मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को नदीम बेग के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से इस मूवी का टोटल कमाई जो था वो था लगभग 50 करोड़ रुपये। नंबर फाइव पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है परवाज़ है जुनून। इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को हासिब हसन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तान रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 43 करोड़ रुपये थी। नंबर 6 बिन रोए। इस मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को शहजाद काश्मीरी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तान रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 40 करोड़ रुपये थी। नंबर सेवन पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वार। जी हाँ, इस मूवी को 2013 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को बिलाल के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई 34 करोड़ रुपये थी। नंबर 8 रॉन्ग नंबर। इस मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को यासिर नवाज के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई 30 करोड़ रुपये थी। नंबर नाइन पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एक्टर इन लो। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को नाबिल कुरैशी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई 30 करोड़ रुपये थी। नंबर टेन पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जनान। इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी को अजफर जाफरी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई लगभग 30 करोड़ रुपये थी। तो फ्रेंड्स, ये था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर इस तरह का और भी अगर आप कंपैरिजन वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।